मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब भी अप्लाई करते हैं आप, तो आपके पास क्लू होना चाहिए कि किसको हम टी पुट करें। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो आपके पास क्वेश्चन कुछ ना कुछ हिंट कर रहा होता है, ये आपको देखने की जरूरत होती है। जैसे देखिए, यहाँ अंडर रूट हटाना है ना, अंडर रूट का आप कैसे इंटीग्रल करोगे, उसमें भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अंदर वाले को कुछ टी स्क्वायर प्लेस कर दें। तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को हम क्या पुट कर दें, टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, एक्स का वन और वन का जीरो, लिखते नहीं है। डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टी, टी स्क्वायर का टू टी, टू टी होगा और डी टी लिख देंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर टू कॉमन कर लें, ठीक है, से टू कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ टू हो जाएगा और यहाँ वन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये चीज 2x प्लस वन और ये dx, ये चीज़ क्या हो गई आपकी, ये दोनों मिलके 2t dt हो जाएंगे और ये 2 रहेगा और वहाँ पे आप t रख दोगे, तो ये पूरा कन्वर्ट होके क्या हो गया आपका 2, और इसकी जगह पे हम क्या रख दें, अंडर रूट टी स्क्वायर, मतलब t हो गया, और ये जो चीज़ है इसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, 2t dt। अब देखिए 2 इंटू टू 4 हो गया, बाहर कर देते हैं, इन कॉन्स्टेंट हमेशा बाहर आ जाते हैं, और टी इंटू टी क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब तो इंटीग्रल बहुत ही आसान हो गया है ना, एकदम बच्चों वाला हो गया। क्या हो गया आपका, 4t³/3+c। लेकिन आंसर तो कभी हम लोग छोड़ेंगे नहीं डमी वेरिएबल टी में, तो टी को क्या प्लेस किया जाए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर 1/2 लिख सकते हो आप। तो इसको लिख दें, हाँ चलिए यही लिख देते हैं, 4/3, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर क्यूब और 1/2 वहाँ से, तो 3/2+c, दैट इज़ योर आंसर।